Hey friends, welcome back to Videsh Yatra channel. मैं हूँ मयूरी. अगर आप स्टूडेंट हो और कनाडा मूव होना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें. सो आज हम कनाडा की टॉप फोर सिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले. तो हमारी सबसे पहली सिटी है टोरंटो, दूसरा है वैंकूवर, तीसरा है मॉन्ट्रियल एंड फोर्थ है कैलगरी. सो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टोरंटो के बारे में. तो जैसे यहाँ पे इंडिया में हम रहते हैं ना, तो जब भी कोई भी कॉलेजेस के लिए या फिर फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो हम कनाडा सिलेक्ट करते हैं. कनाडा में सबको कॉमन ही प्लेसेस और सिटीज़ के नाम याद रहते हैं, तो उसमें सबसे टॉप लिस्ट में आता है टोरंटो. टोरंटो चूज़ करने का रीज़न ये होता है कि वो इस तरह की प्लेस है, वहाँ पे आपको हर एक कम्युनिटी, हर एक कंट्री के लोग वहाँ पे मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट वहाँ जाता है या फिर गुजराती कम्युनिटी के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो उनको वो कम्युनिटी भी मिल जाती है. फेस्टिवल रिलेटेड अगर कुछ भी आपको वहाँ ग्रॉसरीज चाहिए या फिर जैसे नवरात्रि जैसे आ गई तो उसमें भी आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है या फिर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो वहाँ पे वो भी आपको मिल जाता है. और वहाँ न्यू इमिग्रेंट्स ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी इजीली बिल्ड हो जाती है. वहाँ पे स्ट्रीट फूड इंडियन मिल जाते हैं और वहाँ सब्जीज़ आपको लेनी होती है, ग्रॉसरी वगैरह, वो भी आपको इजीली मिल जाता है. तो टोरंटो में जाने का और सिटी सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है. तो दूसरा मैं इसके साइड से बताती हूँ कि अगर आप वहाँ जाते हो, टोरंटो ऐसी प्लेस है वहाँ पे एवरी डे एवरी ईयर न्यू इमिग्रेंट आते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये रहता है कि स्टूडेंट को जॉब मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है. बिकॉज ऑफ एवरीडे न्यू लोग आते हैं तो जॉब भी इतनी सारी होती है, तो बहुत लोगों को जॉब मिल जाती है. किसी को जॉब सर्च करने में इशू आ जाता है बिकॉज ऑफ क्राउड. उसके बाद नेक्स्ट इशू आता है कि वहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक रहता है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एवरी ईयर इतने सारे इमिग्रेंट आते हैं तो ट्रैफिक भी इतना ही रहता है वहाँ पे. तो ट्रैफिक की मैं बात करूँ तो मुंबई और दिल्ली में जितना ट्रैफिक रहता है ना, उस तरह की ट्रैफिक वाली ये टोरंटो सिटी है. तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी लेकिन चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे. और दूसरा, जैसे हम कहीं पे भी माइग्रेट करते, कोई भी कंट्री में जाते पढ़ने के लिए या फिर कोई भी रीज़न की वजह से वहाँ सेटल होने के लिए, तो हर एक का ऐसे ड्रीम होता है ना कि भाई हमारा भी वहाँ पे घर हो, हम भी वहाँ पे सेटल हो जाए, हमारी पूरी लाइफ वहाँ पे करें, तो सब ऐसे ड्रीम लेके जाते हैं. तो हाँ, अगर टोरंटो में आपको सेट होना है या फिर आपका कुछ ड्रीम है कि यहाँ पे आपकी पूरी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉस्टली प्रॉपर्टी मिलेगी. इवन स्टूडेंट के लिए रेंटल प्रॉपर्टी भी काफ़ी कॉस्टली रहती है. और ये सिटी में इतनी सारी ट्रैफिक है, इतने सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर जॉब पे जाना होता है तो समझ लो कि 30 मिनट, आधा घंटा जितना तो आपका ट्रैवल टाइम मिनिमम लगता है. तो अगर आप ट्रैवलिंग में आपका टाइम जाता है, देन आफ्टर आप स्टूडेंट हो और वहाँ पे रहते हो, तो आपको हर एक खुद के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लाइक लॉन्ड्री हो या फिर ग्रॉसरी हो या फिर खुद के लिए शॉपिंग करना हो और फिर कॉलेजेस वगैरह, जॉब, स्टडी. तो यहाँ पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो तो शायद ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप जॉब नियर बाई लोकेशन पे है तो ठीक है, अगर दूर दूर जाते हो तो ये भी एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा. तो अब हम बात करते हैं वैंकूवर के बारे में. अगर आप पंजाबी हो तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले सिचुएशन हो गई, बिकॉज ऑफ वैंकूवर में सबसे ज़्यादा आपको पंजाबी मिलेंगे. तो अगर ये कम्युनिटी से हो तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है रिलेटेड टू पंजाबीज. और हाँ, यहाँ पे फैक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है तो जॉब के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. और कंपेरेटिवली टोरंटो ये सिटी में थोड़ा क्राउड कम है, बट हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, चैलेंजेस यहाँ पे आपको जॉब की भी है. भले फैक्ट्रीज तो है बट आपको खुद को थोड़ा बहुत अपडेट्स रहना पड़ता है लोकल न्यूज़पेपर से या फिर जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उसके हिसाब से आप अपडेट रहते हैं, तो आपको वहाँ के जो भी जॉब्स होती है वो मिल जाती है. और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आता है रेंटल प्रॉपर्टी में. अगर स्टूडेंट और नियर बाई लोकेशन कॉलेज के पास आपको रहना है वैंकूवर के अंदर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा. जैसे हम मैंने आपको टोरंटो का बताया, उसी तरह से वैंकूवर में भी कॉस्टली तो रहेगा. यानी आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हो तो आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. तो क्या है कि आप वैंकूवर में अच्छे से सेट हो पाओगे. सो अब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल के बारे में. तो मॉन्ट्रियल के अंदर ज़्यादातर यूरोपियन कल्चर है और वहाँ के प्लेसेस हिस्टोरिकल ज़्यादा है.
और आपको वहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए या फिर आपकी इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों आपके पास अगर होती है स्किल और दोनों लैंग्वेज अच्छी है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे, इवन हाई पे जॉब आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो ये सिटी आपके लिए काफ़ी सिलेक्टेबल रेशियो में फर्स्ट आएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट ये सिटी के बारे में ऐसा है कि अगर आप टोरंटो और वैंकूवर ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जॉब में आपके पास इतने चैलेंजेस नहीं है, इतना क्राउड और इतना ट्रैफिक भी नहीं है, और यहाँ पे आपको रेंट भी काफ़ी कम होता है, तो आप इजीली यहाँ पे सेटल भी हो सकते हो और आपकी पूरी लाइफस्टाइल यहाँ रह के पूरी सेट कर सकते हो। तो हमारी आज की लास्ट सिटी है कैलगरी। कैलगरी सबसे ठंडी वाली प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, और हाँ ये दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से काउंट होती है, तो रहने के लिए और एटमॉस्फेयर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट ये ऑयल रिफाइनरी का सबसे बड़ा हब है, तो यहाँ पे रिफाइनरीज काफ़ी है तो जॉब के चांसेस भी आपके पास काफ़ी मिल जाएंगे। और प्लस पॉइंट यही होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, क्राउड कम होते हैं, लोग भी यहाँ पे बहुत, जितने मैंने आगे दो सिटी के बारे में बताया इतने यहाँ पे क्राउड नहीं है, तो जॉब इजीली मिल जाएगी आपको। उसके बाद ट्रैवलिंग में आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा, और आप यहाँ पे रेंटल आपकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट को देखनी है तो यहाँ पे बहुत इजी और इजीली भी मिल जाती है और कम रेंट में मिल जाती है। सो ये था कनाडा की टॉप मोस्ट 4 सिटी के बारे में हमारे वीडियो में। अगर आपको कनाडा के और भी सिटी के बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।